शुक्रवार को जीरा मार्च वायदे की कीमतें 4.8% की उछाल के साथ बंद हुई और 4 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जीरे की कीमतें इस खबर के बाद ज्यादा बढ़ी कि चीन को निर्यात फिर से शुरू हो गया है, जबकि निर्यात मांग अभी भी टैरिफ लागत और आगमन से पहले दबाव में रहेगी। निर्यात मांग में वृद्धि 2020-21 के उत्पादन में गिरावट के साथ साथ कैरीओवर स्टॉक के अनुमानों के बीच कीमतों को समर्थन मिल रहा है, जिससे व्यापार धारणा मजबूत हो रही है। बुआई क्षेत्र में गिरावट और घरेलू मांग में सुधार की खबरों के कारण वर्तमान में कीमतें वर्ष दर वर्ष 53% अधिक हैं। 2021-22 में गुजरात में जीरे का रकबा केवल 3.07 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 4.69 लाख हेक्टेयर था और दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन पिछले वर्ष के 4 लाख टन की तुलना में 41% घटकर 2.37 लाख टन होने की उम्मीद है। राजस्थान में भी रकबे में लगभग 30% की गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल नवंबर में जीरे का निर्यात वर्ष दर वर्ष 20% घटकर 1.61 लाख टन रह गया है, जो कि पिछले वर्ष 2.02 लाख टन हुआ था। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक जीरा फरवरी वायदा में कीमतें 20,200 के ऊपर सस्टेन होने पर 20,800 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं।